जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं वो कभी पैसा नहीं कमा सकते। जो सबसे ज़्यादा जलता है वो सबसे ज़्यादा चमकता है। आपका मुकाबला किसी से नहीं, आपको किसी से बेहतर होने का खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ उस शख्स से बेहतर बनने की कोशिश करनी है जो आप कल थे। ज़बान वहाँ तेज़ चलती है जहाँ हाथों का इस्तेमाल नामुमकिन हो। कभी कभी किसी चीज़ को छोड़ना हीरो बनने से बेहतर होता है। आपको कुत्तों की रेस में कभी भी चीता भागता हुआ नज़र नहीं आएगा। उन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें जो आपकी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी मायूसी का इजाफा करते हैं। हर शख्स दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगा है। अगर आपका दुश्मन कोई दरवाज़ा खुला छोड़ता है तो आपको जल्द अंदर दाखिल होना चाहिए। अगर आप मजबूत हैं तो खुद को कमज़ोर ज़ाहर करें, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो खुद को मजबूत ज़ाहर करें। मंजर इंसान के हौसले को आजमाती है। कोई इंसान इतना कानों का कच्चा नहीं हो सकता कि वो सच की आवाज़ ना सुन सके। जब इंसान की सही तरीके से परवरिश नहीं की जाती तो वो दुनिया के लिए एक वहशी जानवर है। उसे हमेशा शक की नगाह से देखा जाता है जो एक मर्तबा धोखा दे चुका हो। जब तक आप शेर के गार में दाखिल नहीं होंगे, आप शेर के बच्चे नहीं पकड़ सकते। अपने दुश्मन को ख़त्म करने की बजाय उससे बगैर झगड़ा किए उसकी उम्मीद को ख़त्म कर दें। ये उसके लिए बदतरीन सज़ा है जो उसे अंदर से खोखला कर देगी। खुद को नाकामी से बचाने का मौका आपके अपने हाथ में होता है। आपको मौत के अलावा किसी भी आफत से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं जो किसी भी रास्ते की राह दिखाती हैं। जो पहाड़ों और जंगलात से वाकफ़ नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अपना सारा ध्यान दुश्मन को उलझाने में रखें ताकि वो आपके असल इरादे को ना समझ सके। कामयाबी मसाइल में मौका तलाश करने से हासिल होती है। उस वक़्त तक हरकत ना करें जब तक आपको कोई फ़ायदा नज़र ना आ जाए। जब आपका दुश्मन भागने का बहाना करे तो उसका पीछा ना करें। 100 लड़ाइयों में 100 फतूहात हासिल करना महारत का कमाल नहीं है, बल्कि बगैर लड़े दुश्मन को जेर कर देना महारत का कमाल है। अक्लमंद उस चीज़ की परवाह नहीं करता जो उसके पास ना हो। सोचना हमेशा आसान होता है और फैसला करना मुश्किल। जो ख्वातीन खुद पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं वो अमूमन घर से लापरवाह रहती हैं। फारग बैठने से इंसान जल्दी बीमार हो जाता है। घर की सूखी रोटी बाहर के भुने हुए गोश्त से बेहतर है। बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी चीज़ को खो देने में होता है। किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले उसके साथ खाना खाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ